यूपी में पंचायत चुनाव के रण में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। सांसद संजय सिंह ने यह लिस्ट जारी की। इस दौरान 500 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। संजय सिंह ने इस दौरान बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में यूपी की हालत बहुत खराब है। वहीं संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी किसान आंदोलन को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी के पंचायत चुनाव भी मौका है कि बीजेपी की सरकार को सबक सिखाया जाए। इस दौरान आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से बात की हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी ने। उत्तर प्रदेश में सियासत की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और पंचायत चुनावों का ऐलान भी हो चुका है और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जमीन तलाश रही है और इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह है बात करने के लिए। सर, उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी की जमीन तलाश रही है और आज 500 प्रत्याशियों की आपने सूची भी जारी कर दी पंचायत चुनाव के लिए, क्या रणनीति रहेगी, क्या लगता है कितना मजबूती से जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, पिछले 5-6 महीने से हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं पंचायत चुनावों को लेकर और 500 कैंडिडेट्स की सूची आज हम लोगों ने जारी की है। इसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग, विधायकों की मीटिंग, मंत्रियों की मीटिंग और अपने प्रचार को अच्छे गति के साथ हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। पर्चों का इस्तेमाल, पोस्टर का इस्तेमाल, इसके साथ साथ हमारी प्राथमिकताएं दो होंगी। एक तो जिला पंचायत के योजनाओं को कैसे हम जमीन पे लागू करेंगे वो हम बताएंगे और दूसरा जो उत्तर प्रदेश में हालत इस समय है शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, पानी की, उसके खिलाफ एक बेहतरीन मॉडल दिल्ली का है केजरीवाल मॉडल, जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा की बात हम लोग करते हैं, तो वो सपना हम कैसे यूपी में पूरा कर सकते हैं, इसके लिए भी हम जनता का वोट मांगेंगे कि इसमें हमें ताकत दीजिए और हम 22 में उसको पूरा करके दिखाएंगे। क्या लगता है विपक्षी दल बहुत सारे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो और अब आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो जो प्रत्याशियों ने चयन किया, सबसे पहले ये बताइए प्रत्याशी जो चयन किया वो क्या प्रक्रिया रही? देखिए, एक लंबी प्रक्रिया से हम लोग, हालांकि कई बार दिक्कत ये आई कि इन लोगों ने आरक्षण की सूची भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर बदली, तो उसकी वजह से दिक्कत भी आई, लेकिन हमने ये क्राइटेरिया रखा कि एक व्यक्ति जिसकी अपने इलाके में छवि अच्छी हो, जो प्रधान के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में पहले भी काम कर चुका हो, अच्छा हो और सामाजिक छवि उसकी क्या है वो, उसको हमने सबसे